हाय, इन द लास्ट लेक्चर अपन ने देखा था कि कोई भी अगर एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया है तो उसके कंपोनेंट कैसे फाइंड करेंगे। बट उसके एंड में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि कोई भी अगर एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन दिया होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, तो आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि वो क्या रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो वही चीज अपन ये वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। मतलब कोई भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन दिया होगा तो हाउ टू डिटरमाइन दैट गिवन इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले मैं एक जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन कंसिडर करता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये क्या है, एक जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन। ये आपको कोनिक सेक्शन में हर जगह दिखेगा और इसको ध्यान में रख देना। मतलब एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो हर जगह यूज होता है, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, लेट्स लुक एट। मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूं। सपोज मेरा a इक्वल्स टू कितना है 1 और b इक्वल्स टू भी कितना है 1, मतलब a इक्वल्स टू 1 है, b इक्वल्स टू भी 1 है। मेरा h इक्वल्स टू कितना है 0, ठीक है। और मैंने क्या लिया, g इक्वल्स टू भी 0, उसके बाद क्या लिया f इक्वल्स टू 0, और मैंने बोला कि c इक्वल्स टू कितना है -1, ठीक है। अब ये सारे वैल्यूज इसमें पुट करो क्या मिलेगा, x स्क्वायर ये तो 0 है h, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा। b इक्वल्स टू 1 तो y स्क्वायर, ये टर्म भी क्या होगा 0, क्योंकि g भी 0 है f भी 0 है, तो ये वाला टर्म भी 0। तो c इक्वल्स टू क्या होगा -1 इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब मुझे बताओ ये वाला इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये क्या है, एक सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन और जिसका रेडियस कितना हो 1 यूनिट। x square plus y square equals to 1 square, x square plus y square equals to r square क्या represent करता है, circle centered at origin। अगर आपको नहीं पता तो जब circle पढ़ोगे तब पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब suppose और एक example लेता हूँ मैं, ठीक है, ये वाला समझ में आया। Let's take a equals to 1, ठीक है, b equals to 0, ठीक है, h equals to 0, g equals to 0, f equals to -1/2, f equals to कितना लेता हूँ -1/2, और c equals to भी क्या करता हूँ 0। अब ये सारे values इसमें put करो तो आपको क्या मिलेगा, ये सारे values आप में इसमें put करोगे तो क्या मिलेगा, a equals to 1 तो x square, h equals to 0 तो ये 0, b equals to 0 तो ये भी 0, g equals to 0 तो ये भी 0, f equals to कितना है -1/2, तो ये कितना होगा 2 into -1/2 y plus c equals to भी 0 तो equals to 0, तो x square minus y equals to 0, तो ये क्या मिल रहा है y equals to x square। अब मुझे बताओ y equals to x square क्या represent करता है, y equals to x square क्या represent करता है, parabola, पैराबोला, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे मैं सबसे पहले वाले केस में a b h g c f इनकी वैल्यूज डिफरेंट पुट किया तो मुझे किसका इक्वेशन मिला था, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब मैंने वैल्यूज चेंज कर दिया तो मुझे किसका इक्वेशन मिला, पैराबोला। अगर मैं वैसे ही वैल्यूज चेंज करूंगा मे बी मुझे क्या मिल सकता है, इलिप्स, उसके बाद मुझे क्या मिल सकता है, हाइपरबोला, ठीक है, और क्या मिल सकता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो इक्वेशन है ये क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक। इतना समझ में आया कि जो ए एच बी जी एफ सी इनके वैल्यूज के ऊपर से मेरा इक्वेशन क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कोनिक सेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो, अब आप कैसे सोचोगे कि ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब सोचो जैसे अपन ने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में अभी तक के लेक्चर में पढ़ा था, हाउ वी ऑब्टेन्ड
इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब मुझे बताओ आपको इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे मिला था? आपने क्या किया था, दो इक्वेशन लिया था, जैसे y इक्वल्स टू एम वन एक्स प्लस सी वन होगा, y इक्वल्स टू एम टू एक्स प्लस सी टू होगा। तो अपन ने क्या किया था, सारे टर्म को इधर ला लिया था, y माइनस एम वन एक्स प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो, y माइनस एम टू एक्स प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो। ये क्या है, दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन है, कोई भी स्ट्रेट लाइन। और मैंने क्या किया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, y माइनस एम वन एक्स प्लस सी वन, सॉरी यहाँ पे माइनस सी वन आएगा, यहाँ पे माइनस सी टू, माइनस सी वन इंटू वाई माइनस एम टू एक्स माइनस सी टू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया था। तो जो इक्वेशन मिला था वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे भी वही सोचो, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। अगर मैं इसको क्या कर सकता हूं, फैक्टराइज, क्या कर सकता हूं, फैक्टराइज इन टू किसमें, टू लीनियर फैक्टर्स, ये वाला एक और ये वाला एक, मतलब एल वन और एल टू। अगर दो लीनियर फैक्टर्स में मैं इसको फैक्टराइज करूंगा, ये वाला मेरा एक फैक्टर है, ये वाला एक, मतलब दो लाइन में फैक्टराइज कर दूंगा, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट बेसिक कंसेप्ट, जो क्या बताता है, कंडीशन कि कोई भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन डिनोट करता है या नहीं करता है। तो क्या कंडीशन है, अगर मैं ये वाले स्ट्रेट लाइन को फैक्टराइज कर सकता हूँ इन टू किस में, दो लीनियर फैक्टर में, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कि मैथमेटिकल कंडीशन क्या रहेगी, मतलब ए एच बी जी एफ और सी, इनके बीच में मैथमेटिकल कंडीशन क्या रहेगी, जो अपन अप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। उसके पीछे बेसिक कंसेप्ट क्या रहेगा, यही कि अपने को इस इक्वेशन को दो लीनियर फैक्टर में अगर फैक्टराइज कर दिया तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। थैंक यू। इसके अगले वाले लेक्चर में वी विल डिराइव अ मैथमेटिकल कंडीशन जो अपने को बताएगा कि ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन डिनोट कर रहा है।